आज हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी वजह से हमारा फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है और ये हमारी विंडो एसी है पीसीबी वाली, तो हम कैसे क्लियर करें कि पीसीबी ख़राब है या फ़ैन मोटर ख़राब है। तो ये बहुत ही आसान है चेक करना, और जब ये नहीं पता होता तो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पीसीबी चेक करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसके वोल्टेज को नापने में। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर फ़ैन मोटर को चेक कर लेंगे। अगर फ़ैन मोटर चल गया तो इसका मतलब है कि पीसीबी इसको सप्लाई नहीं दे रही, इसकी वजह से ये फ़ैन मोटर नहीं चल रहा, तो पीसीबी ख़राब है। और अगर फ़ैन मोटर नहीं चल पाया तब पीसीबी सही और फ़ैन मोटर ख़राब है। इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो फ़ैन मोटर को डायरेक्ट चलाया कैसे जाएगा ये समझना है। तो यहाँ पे छह तार हैं, 1 2 3 4 5 6, छह तार हैं यहाँ पे। और छह तार जो हमारे हैं इसमें से दो कैपेसिटर का है, एक है कॉमन का, एक हाई है, एक लो है और एक मीडियम है। इसको पहचानना है तो यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है, जो भी मोटर रहेंगे उसके ऊपर एक स्टिकर लगा रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैक वाला जो है ये हाई का है, येलो वाला मीडियम का है, और ब्राउन वाला जो है ये लो का है, और यहाँ पे जो एक ये एक इसमें है आपका रेड वाला, ये जो है सॉरी ब्लाउ ये सर बता दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक वाला है ये हाई का है, येलो वाला मीडियम का है, और रेड वाला जो है ब्लू वाला जो है ये लो का है। इसमें रेड और ये जो ब्राउन है ये कैपेसिटर के हैं, और एक जो वाइट वाला है ये कॉमन का है। तो इस तरीके से इस डायग्राम में देख के, कलर को देख करके वहाँ पे लिखा रहेगा ये किसका किसका वायर है, तो उस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो हमें मिल चुका है यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो रेड और ब्राउन है ये कैपेसिटर का है, और इसमें जो वाइट वाला है ये कॉमन का है, और इसमें जो येलो वाला है ये है मीडियम, और ये जो ब्लैक है ये हाई है, और ब्लू वाला लो है। तो हमें करना क्या होगा, सीधा सीधा पीसीबी से कनेक्शन को अलग करना है, और ये तार सारे मिल गए, इसको चलाना है डायरेक्ट। तो हम कैपेसिटर वाले तार को कैपेसिटर में कनेक्ट कर देंगे सीधा सीधा, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे करना ये है कि ये जो हमारा कॉमन है कॉमन को न्यूट्रल देना है, और बाकी ये जो हमारे स्पीड वाले वायर हैं मतलब हाई लो मीडियम, इनमें सप्लाई दे करके चलाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक लीड है, ये देख सकते हैं ये तार है, इसी के ज़रिए से हम इसको चलाएंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बस। अब यहाँ पे ये बोर्ड है, और इस बोर्ड में हम इसको लगाएंगे। चलिए लगाइए उसको, तो हम पकड़े हैं इसको लगाइए, 220 वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी। देखिए क्लियर ऑन करिए, ये ऑन हो चुका है। और यहाँ पे बहुत सावधानी से आपको चेक करना होगा, तो ये जो हमारा कॉमन है ना, कॉमन पे एक फिक्स रख देना न्यूट्रल को या फेस को किसी एक तार को, बाकी एक तार से बारी बारी से स्पीड को चेक करना है। अगर सारी स्पीड चलती है मतलब फ़ैन मोटर सही है। तो थोड़ा सा ऊपर से हल्का से दिखाइए, ये देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं एक तार पे, फ़ैन मोटर दिखाइए वहाँ पर, देखिए फ़ैन मोटर चलने लगा है। इधर दिखाइए देखिए, लो पे अभी रखा गया ठीक है ना, अब इसको मीडियम पे रखते हैं, कॉमन को नहीं हटाना, कॉमन वहीं पे रहेगा, न्यूट्रल उसी पे जोड़े ही रहेंगे, बाकी इसको बार बार बारी बारी चेंज करना है। ये मीडियम वाला देखते हैं, इसको लगाते हैं, देखिए ये लग चुका है। फ़ैन मोटर की स्पीड जो है मीडियम हो चुकी है। अब ये अगला वाला जो ब्लैक वाला वायर है ये है हाई का, तो हाई वाले रखते हैं, देखते चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये फ़ैन मोटर चल चुका है और बहुत तेज़ी से चल रहा है, मतलब एकदम हाई चल रहा है। इसका मतलब है कि ये लो भी चल रहा है, मीडियम भी चल रहा है और हाई भी चल रहा है। तो इसका मतलब है क्लियर है कि हमारा जो फ़ैन मोटर है ये पूरा सही, इसमें कोई भी कमी नहीं है। सप्लाई निकाली तो ये फ़ैन मोटर सही है। अब अगर हमारा फ़ैन मोटर नहीं चल रहा था तो ये आपकी पीसीबी ख़राब है, इसकी वजह से ये फ़ैन मोटर नहीं चल रहा था। अब यहाँ पर समझिए, किसी वजह से हो सकता है कि इसका जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर ये भी कमज़ोर हो गया हो, तभी नहीं चलेगा, सिर्फ घूमोगे लेकिन बोलेगा, कुछ आवाज़ तो करेगा लेकिन घूम नहीं पाएगा। तो आप समझिए कि अगर आपका ये डायरेक्ट चल रहा है तो एक बार कैपेसिटर भी चेक कर लिया करिए। फिलहाल डायरेक्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट चल रहा है तब कैपेसिटर सही है।
और अगर डायरेक्ट नहीं चलता है, सिर्फ घूम घूम बोल रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो उस केस में आपको इस कैपेसिटी को चेक करना होगा। इसमें 220 वोल्टेज सप्लाई देकर इसको स्टार्ट करना होगा। अगर ये स्टार्ट होता है, स्पार्क करता है तेज़ी से, तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटर सही है। और अगर कैपेसिटर स्पार्क नहीं करता है, तो इसका मतलब कैपेसिटर ही ख़राब है, तभी ये सिर्फ घूम घूम आवाज़ कर रहा है और चल नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये आपका फ़ैन मोटर डायरेक्ट चलाने पर चल जाता है और पीसीबी से नहीं चल रहा है, तो 100% क्लियर है कि आपकी पीसीबी ख़राब है। और डायरेक्ट चलाने पे भी नहीं चलता है, तो इसका मतलब फ़ैन मोटर ही ख़राब है, पीसीबी सही है। तो इस तरीके से क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़, अब अगर मान लीजिए सेम उल्टा हो गया, मतलब ये कि ये पीसीबी फ़ैन मोटर को चला रही है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल पा रहा है, तो कंप्रेसर ना चलने का रीज़न और है कि इसको अगर फ़ैन मोड पे डालने के तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो आपको कूलिंग मोड पे डालना, उसके बाद भी अगर 3 मिनट बाद कंप्रेसर आपका स्टार्ट नहीं होता है, तो इस केस में हो सकता है कि आपका कंप्रेसर ख़राब हो चुका है, या फिर ये जो आपकी पीसीबी है, ये पीसीबी ख़राब हो चुकी है जो कि इसको सप्लाई नहीं दे पा रही है। तो उस टाइम में भी हम वही काम करेंगे, इसका जो रनिंग काम और स्टार्टिंग है ना, तो इसको लेंगे सीधा हम रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर में जोड़ देंगे, जोड़ना नहीं है रन जी, तो डायरेक्टली इसको हम रनिंग और स्टार्टिंग को इसमें देख लेंगे। रनिंग स्टार्टिंग कौन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टिकर भी लगा होता है, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग रेड वाला बता रहा है, रनिंग जो बता रहा है ये ब्लू वाला, और जो कॉमन है ये येलो वाला बता रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रनिंग स्टार्टिंग इसमें तार रहेगा इसको कैपेसिटर में डायरेक्टली जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद फिर ये जो हमारा सप्लाई है लेके आएंगे 220 वोल्टेज सप्लाई, वो यहाँ पे लगाएंगे। जैसे चला लाइट चला दिया जाए, लाइट दीजिए, तो कैपेसिटर दीजिए, यहाँ पे हम कैपेसिटर चला के आपको दिखा देते हैं ताकि समझ में आपको अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये हम क्या करेंगे, जो रनिंग वाला तार है ना, इस रनिंग वाले को यहाँ पे कैपेसिटर पे जोड़ देंगे, और स्टार्टिंग वाला जो तार इसको भी हम लोग कैपेसिटर पे जोड़ देंगे। ये काम इतना करना है आपको। उसके बाद जो हमारी सप्लाई है 220 वोल्टेज की सप्लाई, इसको हम एक कॉमन पे दे देंगे, न्यूट्रल या फेस को ये कॉमन पे जोड़ देंगे, और एक दे देंगे हम लोग यहाँ पे जो रनिंग वाला तार रहेगा उसकी तरफ ये सप्लाई दे देंगे। अब इसके बाद वो करना क्या होगा, इसको चालू करना होगा। कंप्रेसर जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब सप्लाई जैसे दिया जाएगा, तुरंत यहाँ पे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले लगाते हैं, ये लग चुका है, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर कंप्रेसर चल गया तो इसका मतलब है कि हमारी पीसीबी ख़राब है, और अगर स्टार्ट करने के बाद कंप्रेसर नहीं चल रहा है, इसका मतलब कंप्रेसर ही ख़राब है। चेक करते हैं, चालू करते हैं इसको हम लोग। कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे एम्पियर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 4 एम्पियर ये ले रहा है, और कंप्रेसर फर्स्ट क्लास तरीके से स्टार्ट हो चुका है। अगर कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाने पे ये स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है कंप्रेसर हमारा सही है, पीसीबी इसको सप्लाई नहीं दे पा रही थी, इसकी वजह से ये कंप्रेसर नहीं चल रहा था, तो पीसीबी ख़राब मान लेंगे। और अगर डायरेक्ट चलाने पे भी स्टार्ट नहीं होता है, तो कंप्रेसर ही ख़राब है, पीसीबी सही है। तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं कि ये हमारा फ़ैन मोटर ख़राब है, या पीसीबी ख़राब है, या फिर कंप्रेसर ख़राब है, या फिर पीसीबी ख़राब है। अगली चीज़ एक और है, इसमें एक और पार्ट उसको भी आपको बता दिया जा रहा है। ये हमारे पास एक स्विंग मोटर है, तो स्विंग मोटर अगर नहीं चल रहा था, तो पीसीबी ख़राब है या स्विंग मोटर ख़राब है। तो इस केस में आप क्या करना है आपको, कि स्विंग मोटर को डायरेक्ट चला लेना। अगर ये एसी स्विंग मोटर है, इसको डायरेक्ट चला देना, मतलब कि न्यूट्रल फेस डायरेक्टली देना है इसको, दो तार हैं इसके, न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट देने पे अगर ये स्विंग मोटर चल जाता है, तब मानेंगे कि हाँ स्विंग मोटर सही है और पीसीबी ख़राब है। और अगर डायरेक्ट चलाने में भी पीसीबी, ये हमारा स्विंग मोटर नहीं चलता है, तो इस केस में जो हमारी पीसीबी है ये तो सही है, और ये नहीं चल रहा है, इसकी वजह से ये ख़राब मानेंगे। दूसरी चीज़, इसमें किसी किसी में डीसी स्विंग मोटर लगाया जाता है, तो जो डीसी स्विंग मोटर होता है उसमें 5 तार निकले होते हैं, इसमें 2 ही निकला ना, न्यूट्रल फेस दे देंगे चल जाएगा, लेकिन 5 तार कुछ करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो मीटर हमारा है, इस मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रख देंगे, और वो जो तार निकले हैं ना 5 तार, उन 5ों तारों को बारी बारी से इस प्रोब से चेक करेंगे। तो अगर सब पे ये कंटिन्यूटी बता रहा है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये रहेगा कि वो जो हमारा स्विंग मोटर है ना, एकदम सही, उसमें कोई भी कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। हाँ, किसी वजह से अगर इसको आप कंटिन्यूटी पे नहीं बताता है, तो थोड़ा सा नीचे कर लेना है, मतलब किलो ओम पे कर लेना है। तो यहाँ पे अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तब भी ये बता देगा, तो किलो ओम पे चेक कर लीजिए। मान लीजिए तो चीज किलो ओम पे चेक करने पे भी अगर 5ों में बताता है तो ठीक है, और अगर 5ों तारों पे नहीं कंटिन्यूटी बताता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो स्विंग मोटर ये ख़राब है। इस तरीके से स्विंग मोटर को भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपने सारे के सारे इलेक्ट्रिकल पार्टों को, मतलब चेक किया जाता है कि क्या ख़राबी है, तो आपको ये सही तरीके से समझ में आ गया होगा।